हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 19.10 पढ़ेंगे, जो कि इंटीग्रेशन समाकलन है। इसके पहले मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 वीडियो है। इससे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक बताऊँगा। इसके पहले यदि आप पार्ट 3 तक वीडियो नहीं देखे उसको देख लें, इसके बाद आप इसको देखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 19.10 इंटीग्रेशन समाकलन का पार्ट 4 वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले वीडियो में आप देख चुके हैं 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। इस वीडियो में आपको 31 से लेकर 40 तक प्रश्न बताऊंगा, 31 से 40 तक बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स डी एक्स, साइन रूट एक्स डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा, रूट एक्स को जेड मान लूँगा, पुटिंग जेड इक्वल रूट एक्स मान लिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड का क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। और रूट एक्स इक्वल टू क्या माने हैं, जेड माने हैं, तो यहाँ जेड रख देंगे, तो 1/2 जेड इंटू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स हो गया। इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, एक दो जो भी इक्वेशन होगा मान लेंगे, क्वेश्चन को एक मान लीजिएगा। तो अब लिखिएगा नाउ, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन था उसको मैंने लिखा। अब यहाँ रूट एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, जेड, और डी एक्स का स्थान पर 2z इंटू डी जेड रख दिए, 2 को बाहर ले लिए। देखिए इस 2 को क्या किया मैंने, बाहर लिया, तो जेड इंटू साइन जेड डी जेड। अब यू गुना भी, इंटीग्रेशन क्या होता है, यू इंटू भी डी एक्स का सूत्र लागू यहाँ करेंगे, तो यू गुना भी का क्या होता है, यू को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहला का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन डी एक्स। इस फॉर्मूला को अपनाएंगे, देखिए तो जेड को बाहर निकालेंगे, यू मानेंगे, तो देखिए यहाँ ये जेड बाहर आ गया, ये 2 नहीं जेड है, जेड इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन डी जेड हो गया। फिर से उस फॉर्मूला याद कीजिए, यू गुना भी में होता है कि पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन किए, माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन इंटू डी जेड हो गया, डी एक्स हो गया, ठीक है। इसी अपनाएंगे फॉर्मूला पर, अब यह जेड है, ठीक है, अब यह 2 अपने स्थान पे है, जेड अपने स्थान पर, साइन एक्स का समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस डी जेड वाई डी एज 1 हो जाएगा, और साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स। इसको और एक लाइन बढ़ाते हैं, 2 अपने स्थान पर, माइनस जेड इंटू कॉस जेड प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस जेड यहाँ हो गया, प्लस सी हो गया। अब इसको अपने स्थान पर रखिए, कॉस जेड का समाकलन क्या हो गया, साइन जेड, प्लस हो गया सी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे ही रख दीजिए, और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ रूट एक्स रख दीजिए, माने थे जेड इक्वल रूट एक्स, तो जहाँ जहाँ जेड है मैंने रूट एक्स रख दिया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया गया है एक्स क्यू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर को जेड, एक्स स्क्वायर को जेड, तो पुटिंग जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब डिफ्रेंसेस करेंगे तो जेड का डी जेड हो जाएगा और एक्स 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। हम डी एक्स का मान निकालेंगे तो 2x भाग होगा, डी जेड बेटा 2x इक्वल टू डी एक्स होगी। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और जो क्वेश्चन था उसको 1 मान लीजिए। नाउ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा, अब देखिए एक्स की को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और साइन स्क्वायर, बाकी अपने स्थान पर है। अब एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या होगा, जेड, एक्स साइन एक्स, एक्स इक्वल टू जेड हो गया और डी एक्स का मान हो गया डी जेड बाई 2x। अब देखिए एक्स से क्या होगा, एक्स कट जाएगा तो क्या बचा, 1/2 को बाहर कर लेंगे और जेड साइन जेड डी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, 1/2 बाहर कर लिया, जेड साइन डी जेड इंटू डी जेड हो गया, ठीक है। अब जेड को यू मानिए, फॉर्मूला क्या है, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का समाकलन करेंगे, तो साइन का समाकलन माइनस कॉस हो गया, माइनस पहले का अवकलन, जेड का अवकलन 1 हो गया, अगुना दूसरे का समाकलन इंटू डी जेड। याद कीजिए सूत्र, पहले को छोड़ देंगे दूसरे का समाकलन करेंगे, माइनस पहले का अवकलन गुना दूसरे का समाकलन इंटू डी जेड। थोड़ा ध्यान देंगे शब्दों पर, अब इसको अपने स्थान पर मैंने रखा, 1 अपने स्थान पर है, 1 से मल्टीप्लाई किए, या माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इंटीग्रेशन कॉस जेड हो गया, तो माइनस जेड कॉस जेड और कॉस जेड का समाकलन क्या हो गया, साइन जेड हो गया प्लस सी। अब 1/2 से आप गुना भी कर सकते हैं या जेड के स्थान पर मान रख देंगे, जेड का मान क्या था, एक्स स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ जेड था वहाँ मैंने क्या किया, एक्स, यहाँ पर भी आप क्या करें, या जो था या 5 नहीं है इसको हटा दीजिए, यहाँ साइन एक्स पहले कर दिए, माइनस एक्स कॉस एक्स इधर कर दिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 33 नंबर, इंटीग्रेशन x प्लस 2 रूट ओवर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है, तो x प्लस 2 को u मानिए
और रूट वाले को भी मानिए, ये गुना भी वाला सूत्र लागू कीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले वाले को छोड़ देंगे, छोड़ दिए, दूसरे वाले का समाकलन देखिए माइनस पहले का अवकलन किए इंटू दूसरे का समाकलन इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। और x प्लस टू अपने स्थान पर है, इसका समाकलन करेंगे तो 2x प्लस थ्री के पावर एक बार दो प्लस वन करेंगे, तीन बार दो बटा x का गुणांक से गुना करेंगे, दो से गुना कर दिए, और तीन बार दो नीचे भी होता तो उलट दिए तो दो बटा यहाँ क्या हो गया तीन आ गया, ठीक है। माइनस इसका देखिए टू अपने स्थान पर रहेगा और थ्री का जीरो हो जाएगा तो टू इंटू वन इंटू जीरो, टू इंटू वन प्लस जीरो अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए, इसको मैंने यहाँ देखिए x का वन हो गया गॉड, या इसको ना लिखना था, अवकलन इसका करना था, तो x का वन हो गया और टू का जीरो हो गया तो खत्म हो गया। अब इसका समाकलन यहाँ कर दिए, देखिए यहाँ समाकलन मैंने कर दिया है, समाकलन कर दिया टू बटा थ्री से क्या जो गुणांक है वो यहाँ गुणांक हो गया, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैंने यहाँ देखिए, अब ध्यान से इसको ध्यान से देखिएगा, तो वन बाई थ्री यहाँ टू से क्या होता है टू कट जा रहा है, यहाँ पर भी टू से क्या होगा टू कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद एक्स प्लस टू वन बाई थ्री पहले आ गया, एक्स प्लस टू और टू थ्री के पावर क्या होगा थ्री बाई टू माइनस एक बार तीन, और यहाँ टू एक्स प्लस थ्री के पावर जो तीन बार दो उसका समाकलन करेंगे, यहाँ देखिए समाकलन किया गया है तो ये क्या होगा पाँच बार दो हो गया, देखिए आगे यहाँ प्रथम टर्म को जेंक रखे, दूसरे टर्म यहाँ है जिसका समाकलन करना है, इसको मैंने जेंक तो छोड़ दिया, एक बार तीन इसका समाकलन करेंगे तीन बाई दो प्लस वन अब बटा तीन बाई माइनस तीन बाई दो प्लस वन हो गया, यहाँ प्लस तीन बाई दो प्लस वन है, प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। अब गुना दो एक्स के गुना से गुना किए फिर आगे बढ़े, प्रथम टर्म छोड़ दिए माइनस एक बार तीन इंटू दो बटा पाँच हो गया, दो बटा पाँच नीचे वाला देखिए गुना करेंगे तीन प्लस दो दो बटा पाँच हो गया ऊपर चला जाएगा, और टू एक्स प्लस थ्री का बटा टू इसका पावर क्या हो गया पाँच बटा दो हो गया प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से इसको देखिए समझ में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, अब ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हल कर दिया मैंने, यहाँ देख लीजिए आप ध्यान से, इसको मैंने हल किया, हल करके कॉमन ले लिया, टू एक्स प्लस थ्री के पावर थ्री बाई टू मैंने कॉमन ले लिया तो थ्री यहाँ एक्स प्लस टू बाई थ्री बच जाएगा, यहाँ बचेगा एक बार पंद्रह टू एक्स प्लस थ्री बचेगा, यहाँ पंद्रह एलसीएम ले लिए तो फाइव एक्स प्लस दस माइनस टू एक्स माइनस थ्री, अब इसको थोड़ा सा आगे हल किए तो फाइव एक्स माइनस टू एक्स घटा क्या थ्री एक्स बच सेवन टेन थ्री या सेवन बचा, यही आप यहाँ क्या किया मैंने आंसर लिख दिया है, ध्यान से आप देखिए। अगला क्वेश्चन है 34 है, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी रूट ओवर सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स, तो सेम पहले की तरह बनाए थोड़ा बड़ा होगा, हम ए एक्स प्लस बी को यू मानेंगे सी एक्स प्लस डी को भी मानेंगे, तो यू को पहले कर दिए इंटू भी डी एक्स कर दिए इंटीग्रेशन कर लिए, फिर प्रथम को अवकलन और दूसरे का समाकलन इंटू डी एक्स किए, तो ए एक्स प्लस बी अपने स्थान पर है, सी एक्स प्लस डी का समाकलन क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का पावर थ्री बाई टू अब बटा सी इंटू थ्री बाई टू, देखिए यहाँ यहाँ थ्री बाई टू जो आता है उसको क्या किया टू बाई टू थ्री मैंने पहले यहाँ लिख दिया है, माइनस ए एक्स प्लस डी का अवकलन क्या हो गया ए हो गया और फिर सी एक्स प्लस डी का पावर क्या हो गया थ्री बाई टू बटा सी, आगू ना थ्री बाई टू होता तो उसको उलट दिया मैंने, यहाँ टू बाई थ्री आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिए तो इसको टर्म मैंने दोहरा दिया है, यहाँ लिख दिया है, अब यहाँ देखिए इस टर्म को यहाँ लिखा गया, अब ध्यान से देखिए और सी एक्स प्लस डी का पावर थ्री बाई टू यहाँ है देख लीजिए, अब बटा सी था यहाँ आ गया, देखिए यहाँ पर सी आ गया है, ठीक है। अब इसका पावर थ्री बाई टू हो गया माइनस टू ए बटा थ्री है, टू ए बटा थ्री है ये बाहर मैंने ले लिया, सी एक्स प्लस डी क्या हो समाकलन के अंदर रहा, ठीक है समाकलन में है, यहाँ देख लीजिए इसका समाकलन मैं कर लूँगा, बाकी सब टर्म को जानते हैं समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव बाई टू हो जाएगा, नीचे फाइव बाई टू आएगा तो वहीं उलट गया तो थ्री टू बाई फाइव हो गया, ठीक है। बटा एक्स गुणा से गुना कर दिए, अब इसको मैंने जेंगे तो लिखा थोड़ा सा इसको सजा लीजिए, सजाने के बाद जो बचा यही आपका आंसर हो गया, ध्यान से इसको आप देख लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हल कॉमन ले लिए, देख लीजिए यहाँ मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल करके मैंने इसको थोड़ा हल कर दिया, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 36 का वन दिया गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, तो इसको भी हम क्या करेंगे मान लेंगे, यहाँ लॉग एक्स को यू मान लीजिए और एक्स स्क्वायर भी मानिए और यू गुना भी के सूत्र पर लागू कीजिए, तो यू को बाहर करते हैं, जैसे लॉग एक्स को मैंने बाहर किया यानी प्रथम का जेंगे छोड़ देंगे, प्रथम को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन डी एक्स कर दिए, तो लॉग एक्स अपने स्थान पर एक्स का समाकलन क्या एक्स क्यूब थ्री हो गया, माइनस एक बार तीन लॉग एक्स का अवकलन क्या एक बार एक्स हो जाएगा और इसका हो जाएगा एक्स क्यूब थ्री, अब एक्स वन बटा एक्स से एक्स क्यू कटेगा तो एक्स बाई थ्री यहाँ बचेगा, तो देखिए आगे जब मैंने बढ़ाया
तो इसको पहले मैंने रिपीट कर दिया है, अब इसको x क्यू बाई थ्री, देखिए मैंने पहले लिख दिया है log x को बाद में लिखा है, वन बाई थ्री बाहर ले लिए और x से x क्यू कटा तो x से बचा और इसका समाकलन हो गया x क्यू बाई थ्री हो गया, तो x क्यू बाई नौ हो जाएगा या x क्यू बाई थ्री कॉमन दोनों में से ले लिए, log x माइनस वन बाई थ्री आ गया, यहाँ आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया x log x इंटू dx दिया गया। ठीक है, तो log x को u मान लीजिए और x को भी मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए log x क्या हो गया, या u माने तो बाहर निकल गया और दूसरे का क्या किए समाकलन, माइनस प्रथम का अवकलन जो दूसरे का समाकलन dx हो गया, log x अपने स्थान पर x का अवकलन समाकलन क्या हो गया x के स्क्वायर बाई टू हो गया, माइनस वन बाई एक्स हो गया, log x का अवकलन हो गया और x का समाकलन एक्स स्क्वायर टू हो गया, अब इससे क्या हो गया वो कट जाएगा। ठीक है, और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखिए मैंने इसको फिर से रिपीट किया है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू log x हो गया माइनस एक टू यहाँ से कट गया तो x बचा, log एक बार दोबारा आ गया और इसको मैंने जैसे लिखा एक बार दो और एक्स का समाकलन क्या हो गया एक्स का टू हो गया और यही मैंने क्या किया आंसर लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 37 है, लॉग 10 के पावर एक्स, 10 के आधार है, बेस है, 10 क्या है बेस है, तो बेस चेंज फॉर्मूला यहाँ लागू कीजिए। देखिए मैंने बेस चेंज कर दिया, बेस चेंज किया तो ई के पावर एक्स हो गया, यानी यहाँ बेस कुछ भी रखेंगे ई रखें तो वहीं ई क्या हो गया पावर बन जाएगा, यहाँ बेस है तो ई क्या हो गया यहाँ पावर बन गया और 10 के लॉग 10 के पावर ई जो आ गया ये अचराशि हो गया, अचराशि को मैंने क्या किया बाहर ले लिया और लॉग एक्स यहाँ अंदर आ गया और लॉग एक्स का समाकलन करेंगे यू गुना भी मान करके, यहाँ लॉग एक्स को यू मान लेंगे वन को भी मानेंगे और इसको बनाएंगे यू गुना भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसी को मैंने यहाँ रिपीट किया है, यहाँ लिखा है तो यू गुना भी करेंगे तो लॉग एक्स क्या हो गया बाहर आ गया, लॉग एक्स क्या हुआ बाहर आ गया, यानी प्रथम का क्या किए छोड़ दिए प्रथम को, दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन गुना दूसरे का समाकलन dx कर दिए। अब इसको देखिए यहाँ पे जैसे लिखा यहाँ देखिए देख रहे हैं log x अपने स्थान पर है, वन का समाकलन क्या हो गया x हो गया माइनस log x का अवकलन वन बटा x और x का हो गया यहाँ वन का x हो गया x x क्या हो गया कट जाएगा तो केवल बचा dx आपका बचा तो x log x माइनस क्या हो जाएगा x का x हो जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर, यहाँ आपने आंसर लिख दिया। देखिए यहाँ 10 के पावर क्या प्रथम टर्म में था या देख लीजिए या कॉमन के रूप में था ना जी कॉमन के रूप में था तो वही क्या हुआ मैंने यहाँ कॉमन के रूप में जो था उसको बाहर लिख दिया, यहाँ छोड़ दिया है लेकिन यहाँ मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 38, तो यहाँ दिया है log x प्लस वन इंटू dx, log x प्लस वन इंटू dx दिया गया है तो log x प्लस वन को यू मानिए और dx को भी मान लीजिए, तो देखिए log x प्लस वन को यू मानिए अभी को वन मान लिए तो प्रथम को छोड़ देंगे, देख लीजिए यहाँ प्रथम को छोड़ दिया, दूसरे का यहाँ वन है टी नहीं यहाँ वन है गलती से लिखा गया वन, प्रथम को छोड़ दिया दूसरे का समाकलन किए माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, यहाँ समाकलन का चिन्ह होगा समाकलन का यहाँ चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ log x प्लस वन अपने स्थान पर है और वन का समाकलन क्या होता है एक्स हो जाता है एक्स हो गया और लॉग एक्स प्लस वन का वन बटा एक्स प्लस वन हो जाएगा और वन का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ा दिए देखिए इसको मैंने दोबारा रिपीट किया है अपने स्थान पर आ गया एक्स बटा क्या हो गया एक्स प्लस वन हो गया, ये अपने स्थान पर है एक्स लॉग एक्स अपने स्थान यहाँ एक्स देखिए यहाँ एक्स है तो एक्स लॉग एक्स प्लस वन हो गया, अब यहाँ के एक्स है तो एक प्लस वन जोड़ करके वन से भाग वन घटा लिया, अब एक्स प्लस वन से यहाँ ध्यान दीजिए एक्स प्लस वन से दोनों भाग दिए तो एक्स प्लस वन बटा एक्स प्लस वन ये कट जाएगा और वन बटा एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, यह माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो गया, देख लीजिए प्लस हो गया है, अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते इसको अपने स्थान पर रखिए तो कट गया तो वन बचा डी एक्स बचा ये वन बटा एक्स प्लस वन तो लॉग एक्स हो जाएगा, तो आगे बढ़ाते हैं तो इसको यू भी नहीं मानेंगे चल जाता यहाँ जे नहीं भी मानते तो चल जाता, तो देखिए एक्स लॉग एक्स हो गया और वन बटा एक्स प्लस वन का लॉग एक्स प्लस वन हो जाता या वन बटा जेड जब मान लिए जेड जब मान लिए तो वन बटा जेड का लॉग जेड हो गया जेड का मान रख दिया वन प्लस एक्स यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दो नंबर इसका है एक्स लॉग एक्स प्लस वन का वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ आप क्या कीजिए एक्स लॉग एक्स प्लस वन प्लस एक्स का को यू मानिए और एक्स को भी मान लीजिए, तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन को लिखा है लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर को यू मान लीजिए और एक्स का समाकलन किए फिर लॉग वन प्लस एक्स का क्या होगा अवकलन कर लिए और एक्स का समाकलन कर दिए, फॉर्मूला है कि प्रथम को छोड़िए दूसरे का समाकलन कीजिए माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू डी एक्स, यही ना है, तो देखिए लॉग वन प्लस एक्स अपने स्थान पर एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर टू माइनस यहाँ लॉग वन प्लस एक्स का
अवकलन हो जाएगा 1/1+x का, जैसे log x का क्या होता है 1/x होता है, तो log 1+x का है तो 1/1+x का हो गया, और 1 का 0 x का अवकलन क्या हो गया 2x हो गया, 2x/1+x का, और यहाँ x का है इसका क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। देखिए आगे इसको बढ़ाते हैं, तो देखिए आगे बढ़ाए तो ये अपने स्थान पर है, देख लीजिए x/2 पहले कर दिए, अब यहाँ हो गया x² से गुना किए तो 2x³/1+x हो जाता, तो 2 से 2 यहाँ काट दिया गया, कट गया, तो x³ 1+x का हो गया। अब इसको अपने स्थान पर मैंने रखा, अब इसको आप क्या कीजिए x³ को x² × x लिख सकते हैं, तो 1+x² = z मान लिए, देखिए मैंने z माना, और तो 1 - z - 1 = x हो जाता है, अवकलन करेंगे तो dz = 2x हो जाएगा, तो dz/2 = x · dx निकल जाएगा, तो x dx का मान मैं यहाँ रखूँगा। तो देखिए अगले पेज में जब मैं जाता हूँ तो देखिए नाउ ये नहीं था, ये प्रथम को रख दिए, 1 - 1/2 था, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ x का स्थान z हो जाएगा और x dz के स्थान पर क्या हो जाएगा dz/2 हो जाएगा, देखिए वहीं हो गया dz/2, यहाँ रख दिए dz/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए आगे बढ़ाते हैं इसको, यहाँ x का मान देख लीजिए यहाँ पर है जी, यहाँ x का मान क्या है देख लीजिए इसको z-1, तो वहीं x का मान यहाँ रखा है z-1 · dz/2, ठीक है वहीं देख रहे थे, तो यह z-1/z हो गया · dz/2 हो गया, इसको अपने आप लिखते जाइए वैसे ही 1/2 अपने स्थान पर जेड से दोनों में भाग दिए तो z/z और क्या हो जाता है 1/z 1/2 बाहर निकालिए, देखिए 1/z यहाँ हो गया है, इधर लिख दिए हैं, फिर इसको अपने स्थान पर मैंने रखा तो z/z का क्या हो जाता है कट जाएगा, ये कट गया तो बचा dz का क्या हो जाएगा z हो जाएगा, आप 1/2 अपने स्थान पर है 1/z का क्या हो गया log z हो गया प्लस c, अब z का मान हम यहाँ पे रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए x log x का यहाँ क्या दिया होल स्क्वायर दिया गया, तो देखिए log x का होल स्क्वायर को यूँ मान लीजिए और x को भी मान लीजिए, तो देखिए मैंने क्या किया है यहाँ जे को तो लिखा है log x को यूँ मान लिए और भी मान लिए, तो u को बाहर किए भी का समाकलन कर दिए और फिर log x का होल स्क्वायर का अवकलन कर दिए × x का समाकलन किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं तो log x का होल स्क्वायर हो गया और x का हो गया x²/2 माइनस log x का हो गया 2 log x/x हो गया अवकलन, जैसे पावर है तो पावर नीचे आता है log x का अवकलन क्या होता है 1/x हो जाएगा, और x का यहाँ समाकलन क्या किया देखिए यहाँ मैंने लिखा है x²/2, अब x² से वो x यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने स्थान पर अपने स्थान पर लिखा और यदि x² से वो x कट गया तो बचा x log x/2 हो गया ना, और ये 2 से भी 2 कट गया है इसलिए x log x बचा, अब इसको फिर u × v पर आपको लागू करना होगा, ठीक है। तो ये अपने स्थान पर है, इसको देखिए मैंने अपने स्थान पर लगा रखा और log x को बाहर किया, x का समाकलन कर दिया, माइनस log x/d log x/dx हो गया × x dx हो गया, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, तो देखिए ये अपने स्थान पर है x² हो गया log x - 1/2 · x dx हो गया, ठीक है। फिर इसको अपने स्थान पर मैंने रखा, x का हो गया x²/2 और गुना 1/2 तो 1/4 हो गया, अब इसको कोष्ठ को हटा दीजिए, कोष्ठ हटा दिए जो बचा यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है, ∫x²+1 · log x dx, तो हम क्या करेंगे log x को फिर u मानेंगे और x²+1 को भी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे log x को u माने तो बाहर कर दिए, x+1 को समाकलन कर लिए, माइनस log x का अवकलन हो गया, इसका समाकलन हो गया, और log x अपने स्थान पर है इसका अवकलन करेंगे, देखिए इसका समाकलन में करेंगे तो x³/3 हो गया, 1 का क्या हो गया x हो गया, माइनस log x का 1/x होता है अवकलन, और फिर हो गया x+1 का समय x³/3 + x हो गया, फिर आगे बढ़ाइए इसको, आगे बढ़ाते हैं तो देखिए log x x³/3 + x हो गया, और यहाँ x²+3x/x हो गया, x कॉमन ले लेंगे या सब दोनों में 3x भाग दे दिए, तो देखिए यहाँ से एगो कट जाता है, यहाँ से भी एगो कट 3x कट गया है, फिर आगे बढ़िए इसको मैंने जेन तय रखा है, अब x²/2 हो जाता है 3 हो जाता है एगो कटने के बाद, यहाँ देखिए एगो कटने का x²/3 होता है तो उन्होंने 3 को बाहर कर दिए, अब यह क्या 3 से x³ कट गया तो x बचा, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये अपने स्थान पर आ जाएगा, केवल यहाँ पे आप चेंज कर देंगे 1/3 x³ क्या हो जाता है 3 हो जाता है माइनस x हो जाता है तो x²/9 हो जाता है, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाता है, ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक लाइन बढ़ा दीजिएगा x³ कर लेंगे, इतना आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 5 नंबर है, x log 2x · dx दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ log 2x को u मानिए, x को भी मान लीजिए, ठीक है। तो x log 2x · dx हो गया,
यहाँ हम लॉग टू एक्स को यू माने, तो यू को बाहर किए इंटू वी डी एक्स हो गया, माइनस प्रथम का अवकलन टाइम्स गुना का चिन्ह हो गया यहाँ इंटू दूसरे का समाकलन डी एक्स हो गया, ठीक है। अब एक्स लॉग टू एक्स अपने स्थान पर एक्स का समाकलन क्या हो गया, देख लीजिए ई वाला टर्म यहाँ यहाँ पर देखिए ध्यान से, लॉग टू एक्स हो गया या क्या एक्स टू हो गया माइनस या गुना है, लॉग टू एक्स का अवकलन क्या हो गया वन बाई टू एक्स इंटू टू, तो टू से टू कट जाएगा और एक्स का समाकलन एक्स टू हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये अपने स्थान पर टू से टू कट गया और एक्स से एक्स कट जाएगा, तो देखिए ये अपने स्थान पर आ गया, अपने स्थान पर वन बाई टू और बचा कितना एक्स डी एक्स बचा, तो इसको जनते लिखिए एक्स का हो गया एक्स टू हो गया तो एक्स चार हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप क्या कीजिए लॉग टू एक्स से गुना कर दीजिए या एक्स बाई फोर कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लेंगे यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए छः नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लॉग टू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स दिए गए, तो इस सबको यू मान लीजिए और डी एक्स को भी मान लीजिए, वन को भी मान लीजिए, तो देखिए इसको मैंने यू माना है, डी एक्स को वन को भी माना है, वन है भी मान लीजिए, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखा है देन, तो यू को बाहर किए और यहाँ वन है, वन का समाकलन किए माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन कर दिए, तो ये अपने स्थान पर आ गया, तो वन का समाकलन क्या होता है एक्स होता है और इसका टू प्लस एक्स हो जाता है वन बटा टू प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स बटा टू एक्स हो जाएगा और डी एक्स का क्या हो जाएगा इसका एक्स हो जाएगा, ठीक है समाकलन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने अपने स्थान पर इसको लिखा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको जंगते रखा इसको टू एक्स बटा टू प्लस एक्स हो गया, टू बाहर ले लीजिए, टू मैंने बाहर ले लिया, इसको जंगते लिखा तो एक्स बटा टू प्लस एक्स का हो गया, अब टू जोड़ कर यहाँ देखिए टू घटा दिया, दोनों में अलग अलग भाग दे दिए, तो इसमें भाग दीजिएगा तो वन हो जाएगा, जैसे यहाँ भाग दिया वन हो गया, आइए डी जेड बाई डी एच या टू बाहर है यहाँ देखिए इसको मैंने यहाँ भाग दिया माइनस टू बटा वन प्लस टू प्लस एक्स का हो गया, तो यहाँ दूसरे लाइन में जाएंगे तो लिखा, अब यह जब कट जाएगा तो डी एक्स बचेगा, डी एक्स का देखिए यहाँ कटने के बाद डी एक्स का समाकलन क्या हो जाता है एक्स तो टू एक्स हो जाता है माइनस टू और टू बटा टू प्लस एक्स का हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको जिन तरह मैंने रखा टू बटा टू प्लस एक्स का हो गया, तो वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स का होता है ना फॉर्मूला, तो टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ वन बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स का सूत्र लगाइए, वन बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए होता है फॉर्मूला, तो वन बटा ए हो जाता, तो वन बाई ए का स्थान पर क्या रूट एक्स का रूट टू का एक्स का हो जाता, तो वन बाई ए तो देखिए रूट टू यहाँ लिखा गया ना, टू अपने स्थान पर है, टेन इनवर्स एक्स बाई रूट टू हो गया इंटू रूट टू होता है, क्योंकि जब हम भाग दें टू में रूट टू से तो क्या होगा रूट टू हो जाएगा, यही आगे जब बढ़ा तो देखिए यहाँ देखिए मैंने उसको लिख दिया क्यों ऐसा हो गया, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखिए ये जो टर्म है यहाँ पे लिखा गया है और टू टेन इनवर्स था वो टू रूट टू हो गया इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई टू आ गया, ठीक है देखिए ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, इंटीग्रेशन लॉग लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स दिया गया, ठीक है, तो लॉग एक्स को क्या करेंगे जेड मान लेंगे, देखिए लॉग एक्स को मैंने जेड माना अवकलन कर लिए, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा वन बटा एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में मैं यहाँ लॉग एक्स का स्थान पर जेड रख दूंगा और डी जेड बटा एक्स का डी एक्स बटा एक्स का मान क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा, देखिए मैंने यहाँ रख दिया है ध्यान से, अब देखिए यहाँ क्या किए आपने जेड रखा और डी जेड बट डी एक्स बट एक्स का मान क्या हो गया, देखिए यहाँ मान क्या डी जेड रख दिया तो डी जेड मैंने रखा, अब लॉग जेड को यू मानिए और वन डी एक्स को भी मानिए, ठीक है, तो देखिए भी मानने के बाद देखिए मैंने यहाँ क्या किया यही लिखा मैंने यहाँ, तो प्रथम को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन कर लिए माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन डी एक्स कर दिए, यह गुणा का चिन्ह है। फिर आगे बढ़ते हैं, लॉग जेड इंटू जेड माइनस वन बटा जेड हो गया लॉग एक्स का, लॉग जेड का क्या होगा अवकलन वन बटा जेड इंटू डी जेड हो गया, अब जेड लॉग जेड यहाँ देखिए जेड लॉग जेड हो गया माइनस जेड जेड कट जाएगा तो बचेगा क्या डी जेड, डी जेड का क्या हो जाएगा जेड और प्लस सी, अब जेड के स्थान पर क्या उसका मान रख दीजिए जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसको देख लीजिएगा, यहाँ वन है। अगला देखिए क्वेश्चन 40 नंबर है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन तो दिया गया, मैं यू मान लिए लॉग एक्स को होल स्क्वायर को यू मान लिए और एक्स को भी मान लिए, तो यू गुना भी पर लागू करेंगे, यहाँ देखिए इसको यू गुना भी, तो लॉग एक्स के होल स्क्वायर को बाहर निकालिए एक्स को अंदर कर लिए माइनस प्रथम का अवकलन किए गुना दूसरे का समाकलन इंटू डी एक्स कर दिए, फिर इसको आगे बढ़ाएं
आगे बढ़ाने के बाद x का क्या हो जाएगा, x की वे 3 हो गया, माइनस 2 log x अवकलन करने के बाद x की वे 3 आ गया, फिर एक तो इससे कट जाएगा, x की वे बाई 3 आ जाता। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको इस टर्म को ध्यान से देखिए, जे को तो रखा गया है और 2 बाई 3 अपने स्थान पर है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने स्थान पर, देखिए 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ इस टर्म को जेंग तो छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसको यू बना भाई, लॉग एक्स को यू मानते हैं तो लॉग एक्स बाहर आ गया और एक्स का समाकलन क्या हो गया, एक्स की वाई 3 हो गया, माइनस प्रथम का अवकलन लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो गया और एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या, एक्स की वाई 3 हो गया, इससे वो कट जाएगा। इसको अपने स्थान पर दोनों टर्म को देखिए, जेंग तो रखिए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 3 आता तो एक्स समाकलन क्या हो जाता है, एक्स की वाई 3 हो जाता है और 3 में 3 से गुना किए 9 हो जाता है, ये 9 हो गया। अब इसी को गुना कर दिए जो आया यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सबको देखिए, ठीक है, ध्यान से बनाइए, जहाँ आपको दिक्कत हो रहा है ना आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रह लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।